अरे ओ शंभू भैया। हाँ घनश्याम भैया। जमीन बहुत पक्की है शंभू भैया। सही कहा राम बहादुर भैया। अरे भैया इतनी मेहनत करते हो, दो बैलों की जोड़ी काहे नहीं ले लेते हो? बात तो सही कहते हो मनोहर भैया, लेकिन दो बैलों की जोड़ी 20 रुपये से एक आना कम की नहीं। ठीक बात बोले शंभू भैया, गरीबी में आदमी का का करे। और भैया ऊपर से सेठ जी के 65 रुपये भी चुकाने हैं हमको। अच्छा शंभू भैया हम जावत है, हमारा अधूरा काम पड़ा हो। अच्छा शंभू भैया हम भी जावत है। अच्छा भैया। अच्छा घनश्याम भैया हम भी चलत रहे, सूरज ढल गयो, हमरी लुगाई हमरी घर रहा तकती होगी। अरे हमरा टिलुआ कहाँ रह गयो? अरे टिलुआ बापू आया। अरे भैया ये का है? ये सेठ जी की मोटर में आज यहाँ कहाँ? उस सेठ जी के साथ जो आदमी है उस शहरी मालूम पड़ते हैं। तब तो शंभू तू सही कहता था, सेठ जी यहाँ पर मिल बनाना चाहते हैं। ये कैसी मुसीबत है, तब तो हमें ऐसे सारी खेती बाड़ी हटानी पड़ेगी। ये सारी जमीन सेठ जी की थोड़ी ना है, इसमें एक टुकड़ा तेरा भी तो है शंभू। क्यों रे शंभू, बेचेगा अपनी जमीन है? हम का ही बेचे, हम ना ही बेचेंगे। कितनी जमीन है रे शंभू तेरी? 2 बीघा जमीन। सेठ जी वी लाइक योर लैंड सो वेरी वेरी मच। भाई मुंशी ये अंग्रेज गाली दे रही आका हमको। सेठ जी वी वांट टू सेट अप फैक्ट्री एट योर प्लेस। परेश? अबे मुंशी का कह रहे हो अंग्रेज, परेश मांग रही आको। अरे परेश ना मांग रहे हो, अनपढ़ जाहिल गमार। मुंशी अनपढ़ जाहिल गमार तमे समझ आए? अरे हम करे थे इससे अंग्रेज बात, तम हटो। मुंशी मोए तो कुछ पल्ले ना पड़ रही। ओके सुपर नाइस ओबेसम योर व्हाट्सएप फेसबुक एंड ट्विटर, बस इतनी इंग्लिश आती मुझसे, और ज्यादा नहीं है। नॉनसेंस ब्लेडी फुल। मुंशी काय थप्पड़ मारो पे? थप्पड़ मुझसे जबरदस्ती कर रहा भैना चोद कलकत्ता जाने को। का है नू कह रहा, जब तुझसे इतनी अच्छी इंग्लिश आती तो इस गांव में काय मर रहा? तूने कहा बोला? मैंने मना कर दिया। बाहर मुंशी मैं तेरे जज्बे को सलाम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और मुंशी कलू गांव में कलवा दी पंचायत है। सुनो सुनो गांव वालों, गांव में पंचायत है, सेठ जी ने बुलाया। सुनो सुनो गांव वालों। मुंशी तनिक रुको जरा, मुंह लग रो। मुंशी पहिंचो सकूटर के ब्रेक तनिक हल्के से नहीं मार सकता? ओम फो सेठ जी तुमने तो धरियाटे काट दिए। धरियाटे ये अंग्रेजी तो हार पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे।
सारा मूत यहीं पर निकलवा दियो। चलो अब। ये कौन कहता है कि पहली वाली भुलाई नहीं जा सकत, बस दूसरी वाली शानदार होनी चाहिए। ई पंचायत गांव में इसलिए बुलाई गई है कि इस गांव में हम एक मील लगवाना चाह रहे हैं। अगर ई मील बन गयो तो गांव में सबका भला होगो। पर सेठ जी, मील से तो नहर का पानी गंदा हो जागो, हमारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। अरे ससुरो, तुमको खेतों से का काम, मील में सबको काम मिलेगो, मील लगने से सबकी भलाई है। पर सेठ जी, इससे तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा और सारी जिंदगी मजदूरी में ही गुजर जाएगी। गांव में सबको बिजली मिलेगी। गांव में तो एक ही बिजली है, किस किस को मिलेगी? ये बिजली तो हमारी है, ये बिजली तो हमारी बिजली है, हमारी है, हमारी, हमारी। सेठ जी, ये हमारी लुगाई है बिजली। अरे ससुरो, ई वाली बिजली की बात ना ही कर रहे हैं हम, रोशनी वाली बिजली मिलेगी सबको। सभी अपने अंगूठों के निशान लगाओ इस पे, और शंभू तू भी लगा। शंभू, तेरी 2 बीघे जमीन का टुकड़ा हमारे मील के बीचों बीच आवत है, हमें तेरी जमीन का टुकड़ा चाहिए। सेठ जी, हम अपनी जमीन नहीं बेचा था, ये जमीन नहीं, ये हमरी बूढ़े बाप और हमरे बच्चे का और हमारा सहारा है। सेठ जी, ये जमीन हमारी माँ है, माँ, हम नहीं बेचा था इस जमीन को। तू ऐसा तो ये तुम्हारी खाला होगी, ये तुम्हारी चच्ची होगी, ये तुम्हारी ताई होगी। उठला मनोहर भैया, ई सेठ जी ने हमारे साथ बहुत गलत कर दियो। ई मील लगने से हमारे गांव वालों का भविष्य खराब है। सही कहा भैया, ई मील के मैले पानी से हमारे ढोर डंगर मर जावे, ई मील हमारा भविष्य नहीं। हमारी भविष्य हमारी खेती बाड़ी है। ई मुसीबत से बचने का एक ही उपाय है। कहा भैया, कहा उपाय है? अरे भैया, हम सब कुछ सेठ की हवेली से वो जमीन के पेपर पर वापिस लाने होवेंगे। कहा बोले भैया, वही बात हो गई, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। पर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? अरे भैया, हम सब बांधेंगे। कू भैया, हम सब बांधेंगे, हम सब बांधेंगे। चलो सेठ जी का। हाँ चलो सेठ जी, चलो चलो। का नजारा है भैया। ओ शंभू भैया, ओ का है? ओ तो हमको मुर्गी का अंडा लागत, इतना बड़ो अंडो। अरे भैया, सेठ जी भी तो इतने बड़े आदमी हैं, इसीलिए उनकी मुर्गी भी बड़ी हो गए, इसीलिए उनकी मुर्गी का अंडा भी बड़ा। अच्छा ससुरो, ई बात है। सुत्रो, जो काम करना है वो पे ध्यान दो, भाई सेठ जी ने देख लिया तो लेनी के देनी पड़ जावे। चलो सुनो गांव वालों, ससुरो मुंशी ने देख लियो। गांव वालों डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ है। ये हम कभी पता है, सेठ जी के मील लगने से पूरे गांव का भविष्य खतरे में है। चलो होगी मील सील, कौन सामान छूट ना जाए।
बांग। ये ससुरो ये पुतला किसने खड़ा कर दिया? डराई दियो हमको। ये बहन तो ये ससुरा कहाँ है? शंभू, हमारे हवेली पर आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर कोनो मरने से पहले आखिरी इच्छा हो तो बता दियो। अब सेठ जी यार तो पूरी तो कर देना हो सब इच्छा। क्या करूंगा बता, इच्छा को मैं इच्छा पूरी कर देंगे शंभू हम, हमारा उसूल है। अबे ना करोगे यार तुम। अबे इधर देख, करूं पर ना करोगे यार तुम इच्छा पूरी। इच्छा बता। तो सेठ जी हमारी इच्छा ये है, हमारे दोनों हाथ खोल दो और हमें गोलमुखी लठिया ला दो। शंभू की इच्छा पूरी करी जाए, इसके हाथ खोल दिए जाए। सेठ जी तनिक सी इच्छा हो रहा है वो और पूरी कर दियो, तनिक झुक जाओ। गांव वालों भाजो। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार सेठ जी, हमने मिल लगाने की पूरी प्लानिंग कर ली है, अब हमें जमीन चाहिए। जमीन के पेपर रेडी हैं? जमीन के पेपर वो है हमारे पास, पैसे लाए हो? शंभू ये गजब हो जाबे, अगर सेठ जी जमीन के पेपर दे दे तो है? हम ऐसे नहीं होने देबे। सेठ जी ये कान कर रहे हो, कहा तुम भूल गए जब ये अंग्रेज लोगों ने हमसे गुलामी कराई थी? तुम चाहते हो कि फिर से हमारे देश ये अंग्रेजों का गुलाम बने? What nonsense! हम इंडिया को डिजिटल बनाना चाहते हैं। यहाँ मिल नहीं बना तो ये सिर्फ बंजर जमीन कीड़े मकोड़े पैदा कर सकती है और कुछ नहीं। हमारी माँ गाली दी, ये जमीन हमारी माँ है और तू कमी ने कहता है कि ये जमीन सिर्फ बंजर कीड़े मकोड़ा पैदा कर सकती है। ये ससुर अंग्रेज हम पे हाथ उठाई, मारो सालों ससुरों को। कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो में। तो दोस्तों कमेंट्स और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, और गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और अब के हमारा 1K लाइक का टारगेट है यार, 1000 लाइक आनी चाहिए वीडियो पे यार। गाइस वीडियो पे 1000 लाइक पूरी कर दो यार, हर बंदा लाइक करके जाए, कोई भी बिना लाइक मेहनत लगी इस वीडियो में। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द।